कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम दे नाकामी कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है। ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते, मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता। यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे कि हम बड़े मकबूल हैं। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं, तो कौन सी मकबूलियत। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो आप पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे नून लीग की इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ रही है, नवाज शरीफ के एतमाद में इजाफा होता जा रहा है। वो पुरजोर अंदाज में अपनी साबिका हुकूमत की कामयाबियां गिनवाते नजर आते हैं। वो ये कोशिश भी करते हैं कि वो अपने भाई की साबिक हुकूमत की नाकामी का बोझ भी खुद से अलग कर लें। नाज़रीन, नवाज शरीफ तमाम तर मसाइल की जिम्मेदारी पीटीआई की साबिक हुकूमत पर डालते हैं। आज भी उन्होंने ननकाना साहब में जलसे से खिताब किया, कहा कि मैं कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं था बल्कि मुकामी वजीर आजम था और वो नाकामी वजीर आजम था। नवाज शरीफ ने यह शिकवा किया कि हमारी हुकूमत का साजिश के जरिए खात्मा कर दिया, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी गई। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ चला गया तो रोटी 4 पैसे 20 रुपए पर आ गई, चीनी 50 से 150 पर आ गई, डॉलर भी महंगा हो गया। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए मानी पीटीआई का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि नवाज शरीफ ने आपको नहीं निकाला, आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मरियम नवाज ने यह एतराफ़ किया कि हाँ, नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। मरियम नवाज ने साथ ही ये सवाल किया कि नवाज शरीफ मुकाबले पर था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत। आप नवाज शरीफ को मुकाबले से बाहर करके कहते थे कि हम बड़े मकबूल हैं, अब आ गया नवाज शरीफ वापस, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। नवाज शरीफ क्या वाकई मकबूलियत में बानी पीटीआई से आगे निकल जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। और क्या नवाज शरीफ का ये दावा दुरुस्त है कि उनके दौरे हुक्म हालात दुरुस्त और बानी पीटीआई के दौर में ख़राब हुए। इसी मुनासबत से आज का जो पहला बड़ा सवाल है वो कुछ यूँ होगा कि नवाज शरीफ या बानी पीटीआई, कौन कामयाब कौन नाकाम वजीर आजम रहा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आप इत्तफाक करते हैं कि वो मकामी हैं और बानी पीटीआई नाकामी वजीर आजम थे, जो जो गिले, जो जो शिकवे, जो तनकीद मरियम नवाज साहबा भी कर रही हैं, और जो बुनियादी सवाल आप क्या समझते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके ख्याल में कौन नवाज शरीफ या बानी पीटीआई में से कौन वजीर आजम कामयाब और कौन नाकाम रहा? दुआ देखें, सबसे पहले तो जो कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को कि जी वो बेहतर प्राइम मिनिस्टर थे, तो बात यह है कि अपने मुखालिफिन की टांगे काट के अपने आप को कदावर साबित करने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा की जो भी उन्होंने बातें की उनमें अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये कॉन्ट्रडिक्शन देखें कि ये कहा जा रहा है कि जी जब नवाज शरीफ साहब मौजूद ही नहीं थे, मुकाबले में थे ही नहीं, तो उस वक्त जो जो ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ इशारा था, 2018 की तरफ इशारा था कि फिर कहाँ की मकबूलियत। तो अभी भी क्या हो रहा है, अभी जो 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 सबसे बड़ी जमात जो पिछली गवर्नमेंट जिसके हाथ में थी, उस जमात को आपने जो है वो रेस से बाहर कर दिया, उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया, मुकाबले से बाहर कर दिया, और फिर ये कहा जा रहा है कि जी जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो मकबूल हैं। तो मकबूल हैं, आप ले आए ना, आप कह दें कि जी बिल्कुल आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ले आए। अगर आप सिर्फ जलसों की बुनियाद पर कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे करके और जो है उससे नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है वो ज़ाहिर हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये जो अडियाला में कैद है उसको भी एक चांस दें, ज़रा निकले, वो भी बाहर आए, उससे भी कहें कि मेरे ख्याल में वो इनसे बहुत बड़ा जलसा कर लेगा। तो मकबूलियत इससे नहीं होती। और फिर ये कहना कि जी पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने बहुत बहुत नाअहल थी और उसने बहुत महंगाई की और उसने जो है वो मुल्क को माशी मसाइल में जकड़ दिया, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, जो 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 16 माह की गवर्नमेंट थी, वो 12-14 जमातों की जो अकले कुल बैठे हुए थे, जिसमें वो जमातें जिन्होंने बारियां ली हैं इस मुल्क में और इस मुल्क पे हुक्मरानी की है, तो वो तो अकले कुल सारे एक जगह इकट्ठे हुए थे,
उन्होंने तो उल्टा जो है मुल्क को जो है वो दिवालियापन के दहाने पे ले गए थे। तो ये बातें इनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है कि ये इनको समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, ये नवाज शरीफ साहब अपने अगेन वो माजी में कैद हैं, माजी की बात करते हैं, अपने पिछली तीन जो जो उन्होंने बारियां गुजारी उनकी बात करते हैं। ऑब्वियसली माजी हमारा अच्छा था, मैं तो ये कहूंगा कि आप 60s में चले जाएं। 60 की दिहाई में मेरे ख्याल में चाइना और पाकिस्तान जो है उनका अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का तकाबली जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान चाइना से बहुत पीछे नहीं था। तो क्या जो वो 60 की दिहाई और उसके बाद जो है नवाज शरीफ का दौर, तो उसमें हम कहाँ गए? तो ये बात करना ये तो मुनासिब ही नहीं है। और जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये जो जितनी महंगाई वो 3.5 साल में सब कुछ आप उठा के मलबा उठा के डाल देते हैं 3.5 साल में, एज एफ के जी पाकिस्तान की तो उम्र ही जो है वो 3.5 साल थी और ये 76 बरस जो है ये कोई आसमान से उतरा हुआ उसको चला रहा था। तो वो 76 बरस की सबको आप इकट्ठा करें, आप देखें, आपने 3 बारियां ली हैं, आपने 3 दफा अभी सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें कि आपको पोर्टल खोलना पड़ रहा है कि जी आवाम से आप इनपुट लें कि कैसे मंशूर बनाया जाए, उनके मसाइल क्या है। आपको यानी 3 बारियां आपने ले ली, आपको आइडिया ही नहीं है, आपको इदराक ही नहीं है कि अवाम के बुनियादी मसाइल क्या है। ये तो आपकी फिंगर लेकिन वैसे ये तो एक अच्छी बात नहीं है नवीद साहब। आप जमहूर को आप ये कह रहे हैं कि हिस्से में शामिल कर रहे हैं, क्या आप उनकी राय ले रहे हैं? आपकी एक और बात है, अब ये तो पता नहीं उनकी एबिलिटी है या नहीं, इतनी पुरानी सियासी जमात है, लेकिन ये तो अच्छी बात है वो अवाम को शामिल कर रहे हैं कि भैया आप अपनी राय दें, आप कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप फेस कर रहे हैं। दुआ इस वक्त जो 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 बात है वो ये देखी जाए कि क्या आप जो जो 3 बारियां ले ली और कब से सियासत में है, कितने अरसे से सियासत में है आपको, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हर एक वोटर को इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या हैं। तो इस वक्त जो भी किया जा रहा है, जो जिस तरह से जो है वो एक पार्टी को बाहर करके आपने उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, उस पार्टी को तितर बितर कर दिया उसको, यानी और उसके बाद आप मकबूलियत के दावे करें, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से आप मकबूलियत के दावे कर सकते हैं। और अगर आप सच्चे हैं, आपको ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अवाम का लाडला है, तो आप कह दें कि जी दूसरी जो 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 उधर कैद है अडियाला में बैठा हुआ है उसको भी बाहर करें और देखें अवाम फिर डिसाइड करे कि अवाम का लाडला कौन है। सही, आमिर साहब वाकई इस वर्थ में है नून लीग के ये मतलब वो जो कानूनी तौर पर केसेस हैं उस मामले को सामने रखते हुए वो बानी पीटीआई को भी बाहर ले आए ताकि मुकाबला हो सके, और जो मरियम नवाज साहिबा क्लेम कर रही हैं कि सबसे ज्यादा लाडले जो हैं वो रहे हैं लेकिन अवाम के लाडले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं, तो आपके ख्याल में आपको अगर कंपैरिजन देखा जाए तो आप किसको बेहतर वजीर आजम समझते थे, आपके ख्याल में कौन कामयाब कौन नाकाम, नवाज शरीफ वर्सेज बानी पीटीआई? दुआ देखें, आपने बड़ा अच्छा नवीद साहब के उसके ऊपर कमेंट किया कि अगर लोगों से राय ली है तो क्या हुआ, अगर ये राय ना लेते तो पता क्या फिक्रा होता कि जैसे देखें खुद ही बना लिया, लोगों से पूछते ही नहीं। अच्छा, जब जमानत होती थी तो यहाँ सबके पेट में वो 80,000 कैदियों का दर्द होता था, अब अगर एक फिक्रा कहा गया है कि जी 52% और 57% है तो क्या मुजायका क्या है? जिस शख्स को 24 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, जिस शख्स ने पाकिस्तान में डिलीवर किया, उसका नाम नवाज शरीफ है, उसके नाम पे मंसूबे हैं, उस पर तकलीफ है। अब आज देखें, जब वो मेट्रो बनाते थे, जब वो मोटरवे बनाते थे, ऑरेंज ट्रेन बनाते थे, मंसूबे बनाते थे, तो कहते थे जी वो तालीमी इदारे बना लो। भाई 9.5 साल क्या भाड़ झोंकी थी वहां पे केपी में, 90 अरब से 800 अरब रुपए पे आप कर्जा ले गए और क्या बनाया वहां पे, जरा मुझे बता दें। वो दिन वलीद इकबाल साहब उठ के भाग लिए थे, 5 पूछी थी यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेजेस। ये था वो पढ़ा लिखा एक नाकाम वजीर आजम ऑक्सफोर्ड से आया हुआ। क्या आपका तकाबला है भाई, आपने किया क्या उस्मान बुज़दार और महमूद खान, और आपने नाबगे वो लगाए जो गाड़ियों से निकल के भाग रहे हैं, आपके साथ बैठने को तैयार कोई नहीं है। ये थी आपकी कप्तानी और आपकी नाकामी। इशू ये है कि जिस शख्स का ये विजन ही नहीं था कि पाकिस्तान को किस सिमत में लेके जाना है, जिसके साथ अदलिया फौज हर तरह का बंदा अटैच था, लोगों की तवक्कात थी, वो जरा से भी डिलीवर करता, ये सब लोग भूल जाते। ये मैं आज नहीं कह रहा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भाई आप डिलीवरेंस तो देना किसी शोबे में तो देते ना, सिवाय गप मारने के, सोशल मीडिया पे गालियां दिलवाने के, अपनी मकबूलियत वो बिल्कुल जीरो पे भी आई, हीरो भी बने हैं, बहुत मकबूल है, कोई शक नहीं है,
किसी ने नहीं कहा, लेकिन भाई डिलीवर तो करो ना इस पाकिस्तान के लिए। उसको जी जेल से बाहर ले आए तो उसको जब जेल में डाला था तो किसने मुतालबे किए थे कि जी मुकाबला कराना है तो ले आओ। भाई मुकाफत अमल का शिकार है, अब क्या करें अब हम उसका। उसने स्टेट पे हमला किया, उसने जीएचक्यू पे हमला किया, उसने शहादा की यादगारों पर हमला किया, उसने आईएसआई के दफ्तर पे किया, उसने पीआईए, उसने एयरफोर्स पे हमला किया, उसका और इसका क्या मुकाबला होगा। एक शख्स जिसको निकालते हैं वो कहता है मेरे साथ इन 5 जजों ने जुल्म किया, इस जजों के फैसले पे जुल्म, हम हमेशा बात करते हैं। क्या किया उसने? उसने लोगों को अंगेक्ट किया कि जाके हमला कर दो। गिला शिकवा वो अपनों से कर रहा है ना, किसी और से तो नहीं जाके कर रहा ना। यहां पे क्या मसला है? 19 महीने कौन मांग रहा है गेट नंबर 4 से? वो कब कह रहा है मैंने सियासतदानों के साथ बैठना है? आज उसका सेक्रेटरी जो रऊफ हसन है कहता है कि जी वो बैठ जाएंगे नवाज शरीफ के साथ। मुझे कल सवाल होगा, पता लगेगा, वो उसको भी झाड़ के फारिग कर देगा कि तुमने नवाज शरीफ का नाम लिया। अरे भाई इस तरह नहीं है, कहीं बैठने की बात होगी, कोई मुकाबला होगा, कोई तकाबली जायजा काम पे होना चाहिए ना। क्या काम किया मुझे बता देंगे नवा के। लेकिन इनके पास तो एक वजह है ना, वो कहेंगे हम तो 3.5 साल थे, हमारी हुकूमत चलने नहीं दी, हमें पूरा 5 साल का टेन्योर नहीं करने दिया गया। जबकि नवाज शरीफ साहब के पास चले वो अगर कुछ निकाल भी लें 9-10 साल तो बनते ही है ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे तो इनके पास तो एक जवाब है ना इस बात। ये जिन बारियों की दुआ दुआ जिन बारियों की बात हो रही है वो पहले 20 महीने 36 महीने फिर 4 साल फिर 1 साल 10 महीने शायद खकान रहा। बताएं यहाँ पे मुल्क को पटरी पे डालने के लिए जहां दहशतगर्दी उरूज पे थी, जहां 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, जहां इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने उस पाकिस्तान को उठा के एक बेस्ट पाकिस्तान में 2500 किलोमीटर मोटरवे दी, उसके अंदर बिजली भी दी, सब कुछ किया, दहशतगर्दी खत्म कराई। आप उसका जायजा किस बात पे कर रहे हैं भाई? उसने पहले दिन से डिलीवरी शुरू की, काम शुरू किया, उसको उसके ताल्लुकात की बुनियाद पे पाकिस्तान के खजाने में शाह अब्दुल्ला मरूम ने $1.5 अरब दिया। यहां पे उनको कहते थे गालियां कर्जे, ठीक है, और खुद लिया। हमें सऊदी अरब से भी पैकेज मिला है, हमें यूएई से भी पैकेज मिला है, हमें चाइना से भी पैकेज मिला। भाई किस चीज का मुकाबला है? मतलब आप लफाजी को पैकेज कहते हैं, लफाजी को पाकिस्तान कहते हैं, भाई डिलीवरेंस पे बताएं। हाँ किसी ने काम किया नहीं किया, कर्जे भी, मैंने आपको एक मिसाल दी 9.5 साल वहां किसी ने रोका था इनको? असेंबली भी खुद तोड़ी, वरना 10 साल पूरे करते। वहां क्या डिलीवर किया? कौन सा नया सियाती मकाम बनाया? हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई? कोई वैसे यूनिवर्सिटी बनाई? केपी में 800-900 अरब का कर्जा फालतू चढ़ाया, बताएं क्या जवाब है? वहां कौन रोक रहा था? वो कल उमर दई साहब फौत हुए, एक जो कमिश्नर हजारा थे, उन्होंने इमरान खान को बैठ के कहा कि आपकी हैसियत में हमें चेयर करने यहां असफंद यार वली की हुकूमत 5 साल रही, वो कभी नहीं आया, सिर्फ हैदर जो था होती वो वजीर आला था, तो आप क्यों बैठे हैं? उसको ओएसडी कर दिया। यहाँ इस तरह का हुक्मरान था कि जो बात करेगा उसे अंदर करूंगा। ये सप्तैन खान जो स्पीकर था, ये जो अलीम खान सीनियर वजीर था, दोनों को अंदर कराया कि चीफ मिनिस्टर की तुम सिफारिश कराते हो, तुम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो। भाई इस तरह के आदमी के साथ आप क्या डिलीवर करेंगे? कैबिनेट में लोग देखते थे कि किस वक्त कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो आजकल मफरूर है, जो भी वजह है उनकी सवाल से, वो बोलेंगे, फैसल वावड़ा बोलेंगे और हमें लाइन मिलेगी, फिर हमने उस पर चलना है। ये तो काम होता था जहां पे आपको इतने 190 मिलियन पाउंड का माहदा छुपा के करना पड़ रहा हो। ये थी काबीना जहां पे वो कह रहे हो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, यार इसका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। आपको पता है मैंने ये नाम लिए बगैर उस वक्त इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में कहा था कि जनाब इन्होंने आज ये काम किया, यही बताया था। और इनके वजीर उठ के जाके सऊदी सफीर के पास पहुंच गए थे बताने के लिए कि जनाब हम नहीं है, क्योंकि इनके वजीर लिखते थे सऊदी सफीर को हमारे प्रोजेक्ट हमारे इलाके में। आपको पता है ना वो दुरुशी पढ़ के जो बातें, उन्होंने खत लिखा था कि जी मेरे इलाके में आप डेवलपमेंट करा दें, एक फॉरेन गवर्नमेंट से आप बात कर रहे हैं। ये थी क्या तकाबली जायदा यार, एक पाकिस्तान को डिलीवर कर रहा है और एक नाकाम बना के आईएमएफ से तोड़ के आप उसको 16 महीने के गिरदान के ने, ठीक है उनके ऊपर मलबा आ रहा है, लेकिन काम भी तो उन्होंने किया ना, बात कर रहे हैं। सही है आया साहब, जाहिर है बहुत सारी नाकामियां तो हैं बानी पीटीआई के हिस्से में, लेकिन उनके पास भी जवाब है जी हमें काम नहीं करने दिया, और बहुत सारे काम उन्होंने खुद तो किए नहीं है, वो तो बाजवा साहब के कहने पर करते थे। लेकिन अभी जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी क्लेम कर रहे हैं, आपके ख्याल में आपका तजिया क्या कहता है? आप जाहिर फैक्ट्स पर ही बात होती है, कौन बेहतर वजीर आजम आप समझते हैं रहा है अपने अपने टेन्योर में, नवाज शरीफ या बानी पीटीआई? मेरे कायद से किसी का क्या मुकाबला है, क्या बात करती हैं आप? मेरे कायद ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, हाजिर जनरल सर्विस जनरलों को ललकारा जब मुश्किल में था, इससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं किया। उससे किसी का मुकाबला कर सकती हैं आप? वो कहते हैं मैं इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं हूँ, इख्तदार नहीं होता, लंदन चले जाते हैं, पहले सऊदी अरब चले गए थे, लेकिन वो लोकल है, मुकामी है। जब मेरे कायद कहते हैं तो मानना चाहिए आपको, उससे इनकार नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप माजी की बात करेंगे ना, तो आपको पता है 1969 में टेलीविजन कितने का मिलता था? 750 रुपए का। बिलावल को चाहिए कि भुट्टो के दौर की कीमतें कोट करना शुरू कर दे कि जी मेरे नाना के दौर में तो ये चीनी इतने रुपए किलो थी, डॉलर इतने का था। ये क्या बात है यार?
आप आगे चलें, और ये जो तरक्की का मॉडल इनका जो हमेशा ये बेच रही होती है नून लीग, वो तो मोहसिन नकवी इनको नॉकआउट कर गया हुआ है, चारों खाने चित कर गया, इतने थोड़े अरसे में उसने कर दिया। उसने बता दिया कि भाई अगर यही मॉडल है ना उसका तरक्की का, इस तरह से कौमें तरक्की नहीं किया करती। मैं जब कहता हूं ना कि हेल्थ पे और एजुकेशन पे पैसे लगने चाहिए थे, तो वो लगने चाहिए थे। अगर वो पीटीआई ने नहीं लगाई, वो भी उतनी बड़ी मुजरिम है। बिल्कुल। लेकिन पहले मेरा कायद मुजरिम है उसका, पीपल्स पार्टी मुजरिम है कि आपने क्या किया यार इस मुल्क के लिए। मतलब एजुकेशन नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह ही कौम। मतलब कायद जब कहते हैं कि एज भी बेरोजगार ना होता, तो क्या ये अमरीका से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बना चुके होते? बेरोजगारी तो अमरीका में भी आज भी है, यूरोप में भी है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बस ये है कि हम चुके तालीम आम नहीं हुई, इसलिए लोगों को लोग इस पे नारों पे यकीन कर लेते हैं कि जी बस वो कह दिया चुके कायद ने कि एक भी बेरोजगार ना होता लिहाजा अब एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इस मतलब कोई इनके पास हल नहीं है मसाइल का, इकोनॉमी के लिए कुछ पेश नहीं करते। ये मंसूबे दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं कि वो जब अंडरग्राउंड वो बन रही थी लाहौर में मेट्रो ट्रेन का मंसूबा, वो इसलिए स्क्रैप कर दिया गया कि वो लोगों को नजर ही नहीं आना, वोट कहां देंगे। ये तो हमारी लीडरशिप है यार, मतलब जिसके पीछे हम हलकान कर रहे होते हैं जान के जी बस ये हमारे। लेकिन बानी पीटिया ने ख्वाब बड़े दिखाए थे एक्चुअली, उन्होंने तो मुझे ये बताएं जो ख्वाब बानी पीटिया ने दिखाए थे इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा तनकीद मैंने की थी उनपे दुआ। मतलब जिसने गलत किया उसको कैसे ठीक कह सकती हैं? होना यही, मतलब ये है कि मेरी मोहब्बत अगर बानी पीटीआई से, तो मैं कहूंगी जी उसने हर काम बड़ा अच्छा किया। क्या अच्छा काम किया उसने? जो नहीं किया वो सामने है सबके। बात ये नहीं होती कि जब आप तकाबली जायजा ले रही होती है ना या ले रहे होते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा स्पैन क्या है, किसने कितने अरसा हुकूमत की और उसने क्या डिलीवर कर दिया। ये अगर आप मोटरवेज और अंडरपासेस और ये फ्लाईओवर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर आपको मुबारक हो। आपकी मतलब ह्यूमन रिसोर्स पे अगर नहीं खर्च होने ना पैसे इस मुल्क में, आपकी एजुकेशन पे खर्च नहीं होने, सबसे कम बजट हेल्थ और एजुकेशन करेगा, तो फिर अल्लाह हाफिज है, फिर आपको ये हुक्मरान मुबारक हो। मेरे लिए तो ये हुक्मरान ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा। फैसल साहब ये बात तो दुरुस्त है, अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान जहां उनको इन्वेस्ट करना चाहिए वहां नहीं करते। जो सर फहरिस्त है जी तालीम और सेहत, ये दोनों शोबे इंतहाई अहम है, लेकिन उतने ही नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं, बानी पीटीआई बेहतर वजीर आजम थे आपके ख्याल में अपने टेन्योर में रहे, या नवाज शरीफ साहब जब जब वजीर आजम रहे वो बेहतरीन थे? असल में जिस तरह हमारे मुल्क के सियासतदान माजी में उलझे हुए हैं ना, हमारे पैनलिस्ट भी जो है ना वो माजी में उलझे हुए हैं। सियासतदान तो इसलिए माजी में उलझे हुए हैं कि इनको सामने किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है, तो मुस्तकबिल की बात क्या करेंगे। माजी की बुनियाद पर ही जो है वो वोट मांगेंगे, माजी कोई अपना वो बयानिया बनाना चाहते हैं, मुस्तकबिल की वो बात करने को कोई सियासतदान तैयार ही नहीं है। लेकिन मुझे जो मुस्तकबिल का जो मंजरनामा नजर आ रहा है ना वो बड़ा हौलनाक है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर इस इलेक्शन में कोई इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाए तो वो कामयाब हो जाए। क्योंकि इस इलेक्शन में अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीत गए तो हम वाकई माजी में चले जाएंगे 1985 में मोहम्मद खान जोनीजो के दौर में। जिस जो कुछ मुस्तकबिल में जो कुछ नजर आ रहा है वो बहुत उसकी फिक्र करें, उसका जो है ना वो खौफ खाएं कि उसमें क्या क्या कुछ हो जाएगा हमारे साथ, आपके साथ, कौम के साथ। हम और आप जो लड़ रहे हैं ना कि इमरान खान ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, जरदारी में कुछ नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ये निजाम की बेड़ी हमको कुछ करने नहीं देगी। आप मुझे बताएं कि हेल्थ किसका फंक्शन है, या एजुकेशन की, एयाज साहब ने बात की, एजुकेशन किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन होना चाहिए भाई? इस निजाम का मसला है ये। इस निजाम से अगर आप चाहें ना कि इस निजाम से जो है ना गुलाब का फूल निकल आएगा, नहीं आएगा। इस निजाम से सिर्फ ताफुन ही आना है, इस निजाम से सिर्फ बदबू ही आनी है। इस निजाम को दफन जब तक नहीं करोगे, ये निजाम इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं करता रहेगा। जिन बातों पर आप अपने 5 साल पहले के प्रोग्राम उठा लें, आप 10 साल पहले के जो है टॉक शो उठा लें, इन्हीं मौजूदात पे सब लड़ रहे थे, और इन्हीं मौजूदात पे हम 10 साल के बाद भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो असल जो मसला है, जो असल जड़ है ना, उसकी तरफ कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। क्यों नहीं करते बात? और जो बुराइयां आ रही है जो उसको आप महसूस कर रहे हैं, आम आदमी महसूस करता है, क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं करते? इनका तो सारा दारोमदार इस जिंदगियों का आप ये देखें ना, नून लीग आम आदमी से
मशवरा मांग रही है कि हम क्या बनाए। देखिए जो लीडर होता है ना, लीडर वो कौम के पीछे नहीं चलता, कौम लीडर के पीछे चलती है। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारा मसला क्या है, तो इसका मतलब मेरी अपनी सलाहियत पे भी सवाल है ना। मेरा मेरी अगर मैं लीडर हूँ ना, तो मेरी जहनी सतह, मेरी इल्मी सतह, मेरी बसीरत, मेरा फहम पूरी कौम से ज्यादा होना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा इस कौम का काबिल आदमी होना चाहिए, मैं इस कौम का सबसे ज्यादा जहीन आदमी होना चाहिए, इसलिए तो मैं लीडर हूँ। अगर मैं आम आदमी से पूछ रहा हूँ, झाड़ू देने वाले से, सब्जी फरोश से, भाई बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मैं इसका मैं ही फारिग हूं ना भाई। मुझे बताना है कि मैंने इस कौम को किस तरह निकाल के लेके जाना है, इस दलदल से, इस तूफान से, इस भमर से, इस किश्ती को निकाल के कैसे लेके जाना है। मैं कप्तान हूँ किश्ती का, लेकिन कप्तान जो है मुसाफिरों से पूछ रहा है बताओ यार मैं अपनी ये किश्ती चलाऊं किस तरह चलाऊं, ये फंस गई है भंवर में, मुझे बिल्कुल रास्ता बताओ, कोई टेक्निक बताओ, इस भंवर से मुझे किस तरह किश्ती निकालनी है। तो मुसाफिर कहेंगे ना भाई तू कप्तान है जहाज का, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है, हम तो तेरे चक्कर में, तू तो डूबेगा हम भी डूब रहे हैं। एक अजीब ये कौम है, एक अजीब मुल्क है कि यहाँ जो है किसी यहाँ लीडर की जहनी सत्ता जो है वो कौम से कम है। खुदा जाने इस मुल्क के मुस्तकबिल में क्या लिखा हुआ है, क्या होने जा रहा है, लेकिन ये जो मुस्तकबिल का मंजर नजर आ रहा है ये बहुत हौलनाक है। खुदा के वास्ते इस पे तवज्जो दे, ये जो कुछ अल्लाह अपना रहम फरमाए, कुछ आने वाला मुस्तकबिल की तस्वीर जो हो रही है ना वो अच्छी नहीं है। सही जी इलियास साहब, इलियास साहब आपके हम ये बहस करते रहेंगे 2013 में उसने क्या किया, इमरान खान नाकाम था, सर ये बहस करेंगे तो नाकाम थे भाई, ये बहस करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, तो इस बात का मुकाबला है कि नाकाम दादा कौन था। हम इस बात का इतना बड़ा दुआ, एक आखिरी बात कर दूं, इतना बड़ा अलमिया है कि हमारे डिबेट इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ साहब ज्यादा नाइल थे या इमरान खान साहब ज्यादा नाइल थे। इधर ये डिबेट नहीं होती कि ज्यादा काबिल कौन था, ये मुल्क पता लगे ऐसी ज्यादा नाइल। इलियास साहब आपके ख्याल में कामयाबी की बात कर लेते हैं, कामयाब कौन वजीर आजम रहा, नवाज शरीफ या बानी पीटीआई? देखिए बानी पीटीआई को तो 3.5 साल ही मिले और नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा टाइम मिला, अगरचे वो कहते हैं 3 टर्म्स मिली और उसमें काम मिला, लेकिन उन्होंने काम किया। वो काम डेवलपमेंट का तो ये था, कंस्ट्रक्शन वाला हवाले से और दीगर मामला जो किए उन्होंने करना चाहा जिस तरह किया, लेकिन ये है कि हमारा जो कारोबारी बरादरी है उसमें बड़ी खुश नज़र आई उस दौर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इकॉनमी का पहिया चला और लोगों को रोज़गार मिला, ये इस तरह के काम करते रहे। लेकिन जो डेवलपमेंट का एक बेंचमार्क होना चाहिए उस तरह का कोई किसी दौर में काम नहीं हुआ, पॉलिटिकल दौर में। वो उन्हीं दौर में हुआ जिनको आमरियत का दौर कहा जाता है, कि उस दौर में महंगाई भी कंट्रोल रही, जो भी काम किया उसमें काम हुआ, लेकिन वो जो काम होना चाहिए बेंचमार्क इंडस्ट्री का पहिया जिस तरह सही तरह चले, ये नहीं हो कि बबल हो जो बाद में फट जाए और ख़त्म हो जाए सारा चीज़ें, जैसा वो एक एक्चुअल बेस जो जिसकी होनी चाहिए वो उस तरह चले, लोगों को रोज़गार मिले, एजुकेशन दें, स्किल्ड लोग पैदा किए जाएँ, बाहर भेजे जाएं जो मुल्क की इकॉनमी के लिए काम करें, मुल्क को सही करें। हमने सिर्फ अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए आप देख लें छोटे छोटे काम इन कितने लूप होल्स नजर आते हैं, और उस आप देखें उसके मुताबिक काम करेंगे तो कहां ये सिस्टम नहीं चलेगा, इस तरह तो नहीं चलता, ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि ये थोड़े देर चलेंगे अपना टर्न पूरी करेंगे फिर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे एक शो करेंगे ताकि अगला इलेक्शन लड़ सकें, और इनका ये जो इख्तदार का पहिया इसी तरह चला जाए। जहाँ मौरूसी सियासत हो, जहाँ इस तरह के काम हो, टेक्निकल लोग जो आम जो लोग हों जो जिनको आगे आना चाहिए उनको आगे आने ना दिया जाए, यहाँ सिस्टम है कपड़ा परवरी इस तरह देखें बिल्कुल, फिर वो तो कहते हैं ना फैसल भाई तफुन ज्यादा निजाम वो इसी तरह चलेगा। बल्कि आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सबकी बातें सुन के, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ कि किसने क्या किया, इनका हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी कि क्या किया, मुल्क के लिए जो होना चाहिए वो बोलना चाहिए। मेरी बात तो मैं कह रहा हूँ इलियास भाई कह रहे हैं ना कि मुझे लोगों की बातें मालूम पता चला कि किसने क्या किया, इसका मतलब ये है कि जो जिसने जो काम किया ना उसके असरात आम आदमी तक नहीं आए, काम वो होता है तो बताना ना पड़े कि मैंने ये काम किया। को आम आदमी कह रहे हैं यार, आम आदमी हूँ मैं, वो नजर आ रहा है ना बोरियों में जो वो काम करते थे आपके लीडर, वो नजर आ रहा है सबको, इसीलिए भागे में तय होता है कि ये मुस्तकबिल में क्या नवाजने जा रहे हैं आवाम को, और फिर मुस्तकबिल में कौन होगा बेहतरीन वजीर आजम आवाम की नजर में, जाहिर है उनका माजी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल वक्त आने पर ही फिर ज्यादा आइडिया होता है, ये तो अंदाजे ही होते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पहले नवाज लाडले करार, अब खुद हुकूमत बनाने के दावेदार, बिलावल भुट्टो
ये जो इतने पुरएतमाद हैं इसकी क्या वजह है, ये हमारा सवाल होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। मैं मुल्क के कोने कोने जाके पाकिस्तान के आवाम के पास जा रहा हूँ, मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मेरे लिए हराम होगा, मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी रहे। मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। जब शेर का हुकूमत बनता है तो आवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो बड़े जारहाना अंदाज़ में अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और इस दौरान जहां एक जानिब उनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ को लाडला कडला करार देकर एंटी नवाज वोट बैंक कैश करें, वहीं वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों को ये यकीन दिलाएं कि तमाम तर लाडलेपन के बावजूद वो नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। आज उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बैकडोर के जरिए चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं लेकिन हम उनका रास्ता रोकेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी, ये शेर वाले अपोजिशन में बैठेंगे। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो को तहजीब में रहकर गुफ्तगू करने का मशवरा दे दिया है। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की जबान पर अफसोस है, वो हमारे साथ वजीर खारजा रहे, उन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा परवर्षा खान ने जवाबी तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग का मंशूर एक ही नुक्ते का है कि हमारी बात हो गई है। नाज़रीन, एक तरफ पीपल्स पार्टी को नून लीग की डील के जरिए हुकूमत में आने का शिकवा है तो दूसरी तरफ वो खुद हुकूमत में आने की दावेदार भी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे करूँगी, एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि लाडले प्लस नवाज शरीफ हैं, वो सिलेक्टेड हैं, उनकी बातचीत हो गई, उनके रहनुमा भी यही कहते हैं, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे, तो इतने एतमाद की वजह क्या है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की? और वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी वो बनेंगे। देखें, बात ये है कि बिलावल भुट्टो का हक है कि वो अपने लोगों के पास जाएं, वोट मांगें और दावा करें कि वो न सिर्फ वजीर आजम बनेंगे बल्कि साथ वो ये भी कहें कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो आज़ाद जीतेंगे। यानी एक तरफ तो उनको ये पता है कि उनके पास अपने वोट नहीं होंगे और तकिया होगा आज़ाद का। अब हम देखेंगे आज़ाद जीतते कितने हैं। यहाँ हमेशा से कहानी होती है और फिर पर ढूंढने पे मिलते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो ज़मीर है, फलाना है, और भाई ये सारे ज़मीर पिछले दौर में भी आज़ाद इस तरह ही हर दौर में इसी तरह आते और जाते हैं। सिर्फ एक असलम बुतानी थे जो आज़ाद रहे आखिरी वक्त तक। वो पहले पीटीआई को सपोर्ट करते रहे और जब अदम एतमाद हुई तो वो पीडीएम के साथ चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत आज़ाद की रखी थी। बाकी तो सारे के सारे जमातों में चले गए थे और अब भी ऐसा ही होगा। और सब कुछ ऐसा ही है कि गेम बनती कैसे है, ये बिलावल भुट्टो की एक तरफ से नाकामी का भी है और दूसरी तरफ आप देखें कि जूं जूं इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लोगों को एतमाद होता जा रहा है कि गवर्नमेंट आनी है और आगे चलना, और यही असल बात भी है। मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था इंटरव्यू में कि अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो हम वेलकम करेंगे? ये स्पिरिट होती है जमहूरियत की कि एक ने हारना है और एक ने जीतना है। अब बिलावल साहब ये समझ रहे हैं कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या पीएमएलएन पे तनकीद करके पीटीआई के वोटर को रागिब कर लेंगे, वो मेरा ख्याल खाम ख्याली है उनकी। ये हमें 8 फरवरी तक करनी पड़ेगा, जाहिर है इसके अलावा तो कोई नहीं है ना कि कौन अपने वोटरों को लेके पहुंचता है। आज उमर अयूब ने निकाल दिया ना सारे लोग कि जो आज़ाद खड़े रहेंगे उनको हम पार्टी से निकाल देंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो कदम घर से बाहर आ गया वो वापस नहीं जाता। ये अब जो मर्जी तड़ियां छड़ियां लगाएं, जिनको नजर आ रहा है खंबे का वोट मिलना है तो वो तो नहीं बैठने लगे। ये बड़ा है और बड़ी अच्छी ट्राई होगी पीएमएलएन का। अभी आज आईपोर का एक सर्वे भी आया है, 45% और पीटीआई 35%, पीपुल्स पार्टी तो है ही नहीं कहीं। तो अभी आप देखें, जब जब सर्वे भी होंगे मैदान भी खुलेगा, कोई दूसरा सर्वे आएगा, कोई तीसरे आएगा, ठीक है। असल सर्वे है 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पे आप लोग लेके कितने पहुंचते हैं, सही है। वो पोलिंग में जाके वोट डालते हैं। सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे वो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के लड़ रहे हैं, चाहे वो पीएमएलएन है, वो पीटीआई है, जेयूआई है, जमात इस्लामी है, सबको। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है अब इस वक्त कि आप अपने वोटरों को किसी भी तरीके से ले जाएं। ये जो कहानियां आ रही है ना आपके और हमारे सामने, ये सब हवा में डूब जाए। सही जी आयाज साहब, देखिए बिलावल की स्ट्रेटजी तो ठीक है। बिलावल जिस तरह की बात कर रहे हैं वो करीब करीब मेरे ख्याल इमरान खान भी होते तो वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहे होते जो बिलावल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क ना डाल सके वो पीटीआई के वोटर्स को, लेकिन कुछ फर्क वो जरूर डालेंगे, ये मुझे लग रहा है बिलावल की। दूसरा जो मुझे हैरत हो रही है वो पता, यकीन करें कि पंजाब में ऑलमोस्ट पीएमएलएन के जलसों के बराबर जलसे कर रहे हैं बिलावल। ये मुझे, मेरे लिए हैरत अंगेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिलावल
जब पंजाब में निकलेंगे तो इतने बड़े, मुझे लगता है कि ये सारे जलसे पंजाब में करने की बजाय पीएमएलएन को एक आध जलसा सिंध में भी जाके कायद को करना चाहिए, वहां पे जाके सिंध के अंदर भी जाके करना चाहिए, क्योंकि बिलावल पीएमएलएन की होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। ठीक। फिर बिलावल ने एक और काम किया है, उन्होंने पीएमएलएन को अब जवाब देने पे मजबूर कर दिया है। आज मरियम औरंगजेब साहबा से आगाज हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जाहिर है बढ़ेंगी। ये भी बिलावल की इन अ वे कामयाबी है कि वो अपनी पिच पे लाना शुरू कर रहे हैं पीएमएलएन को। तो मेरे हिसाब से बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं बिलावल, और बाकी जाहिर है वो अब दावा तो सबने करना होता है ना, मेरी गवर्नमेंट बननी है। वो जब ये बात कर रहे हैं कि जी मैं अवाम के वोटों से बनने जा रहा हूं, वो साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अवाम के वोटों से बनने जा रहा हूं, शायद मुझे इतनी सीट्स ना मिले तो मुझे आजाद को मिलाना पड़ेगा, और आजाद आएंगे वो भी, मतलब एक मैसेज उधर भी दे रहे हैं पीटीआई के वोटर्स को भी कि आप आजाद उम्मीदवारों को आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे दें अगर उधर भी देने हैं, क्योंकि वो हमारे साथ आ जाएंगे, आपके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनको मैं हुकूमत नहीं बनाने दूंगा। तो मेरे ख्याल में तो स्मार्ट खेल रहे हैं, बाकी देखते हैं। जी फैसल साहब, बड़ी मजेदार सूरत हाल है। मजेदार सूरत हाल यह है कि खुद कह रहे हैं कि हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे, यानी कि आजाद उम्मीदवारों के मुकाबले में जो हमारा उम्मीदवार है वो तो हार जाएगा और हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर जो है ना वो हुकूमत बना लेंगे। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है, तो बहुत ही इससे अच्छी आइडिया सूरत हाल क्या हो सकती है। फिर तो इनको कहीं इलेक्शन कंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सब आजाद के साथ ही मिलकर बना लें। अच्छा, ये आजाद है कौन? ये आजाद नहीं है, ये जबरी आजाद है, इनको आजाद, इनका नाम आजाद है, जबरी आजाद वाले आजाद नहीं है जो होते थे, इनको समझ ले। हाँ, ये आजाद है, ये तो ये आजाद वही है ना जिनके साथ आप मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब तो इस बात पे सभी मुत्तफिक हो गए ना कि एक मंडी लगेगी, उस मंडी में जिस आदमी के पास सबसे बड़ा ब्रीफकेस होगा और पैसे खर्च करने का दिल भी होगा, सिर्फ पैसे नहीं, पैसे खर्च करने का दिल भी होगा। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, आमिर साहब जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, खर्च करने का दिल जो है ना हर किसी के पास नहीं होता। सही। जिन लोगों के पास खर्च करने का दिल होगा वो जाके उम्मीदवार खरीद लेगा और हुकूमत बना लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये पाकिस्तान की नई जमहूरी हुकूमत कहलाएगी कि मंडी में जाके हुकूमत लगेगी, उस मंडी के ऊपर बोर्ड लगा होगा, बहुत शुक्रिया महकमा। चले, आप ये मानते हैं कि जरदारी साहब का दिल बड़ा है पैसे खर्च करने के मामले में? आप जाके ज्यादा उम्मीदवार खरीद लें, आपकी हुकूमत आ जाए, मुस्तकबिल की आप वजीर आजम हो जाए, मैं क्या पता आपका ब्रीफ के सबसे बड़ा हो, आप जाके अच्छी डील कर लें। कहने को कोई भी कर सकता है, डील है ना, खरीदार तो कोई भी उठ के आएगा, अरब का शेख देगा पैसे, भाई लाओ भाई खरीदो, कहा के ब्रीफ केस दो पैसे लो जाओ हुकूमत बनाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसी तरह चल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। चलें हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल नवीद साहब इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के एतमाद की, जो कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म भी होंगे और शेर वाली जो जमात है वो अपोजिशन में बैठेगी। नवीद साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि एक तरफ तो ये मानते हैं कि लाडला प्लस नवाज शरीफ साहब हैं और उन्हीं के लिए सब ग्राउंड सेट है, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो भी यही कहती है कि उनको तो इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं, वो तो जीते जिताए हैं, फिर एक तरफ वो ये कहते हैं कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, फिर अब आकर ये जो उनका रवैया कि वो आवामी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, आवाम की जो सपोर्ट है उनके साथ है, तो आपके ख्याल में इतने एतमाद की वजह क्या है बिलावल साहब के? दुआ मेरे ख्याल में सिर्फ नवाज शरीफ लाडला नहीं है, बाकी सारी जमातें इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रही हैं सभी लाडले हैं, और ये एक नूरा कुश्ती हो रही है, एक फिक्स मैच खेला जा रहा है, क्योंकि जो असल मुकाबला जिसने करना है उसको तो आपने मुकाबले से ही बाहर कर दिया है। यानी जमहूरियत की स्पिरिट की बात की जा रही है, मुझे हैरत हो रही है जमहूरियत की स्पिरिट की आप किस तरह से बात कर रहे हैं कि एक जमात जो कि मकबूल तरीन, और ये यानी जो 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 सियासी जमातों के अपने सर्वेज हैं उनको जरा हटा के देख लें, जरा इंडिपेंडेंट सर्वे उठा के देख लें, अभी डॉन न्यूज़पेपर ने अभी रिसेंटली एक सर्वे किया है, आप उठा के देख लें, 60% से ज़्यादा जो है वो पीटीआई के जो है उसकी मकबूलियत। तो बात यह है कि अपने सर्वे करवा के अपनी ऐनक से माशरे को देख के अपनी ऐनक से वो देख के सबसे ज्यादा मकबूल है, और जमहूरियत की स्पिरिट ये है, तो जमहूरियत की स्पिरिट ये नहीं है, जमहूरियत की स्पिरिट ये है कि आप इलेक्शन लड़ें, आप अपने मद्दे मुकाबल को एरिना में छोड़ें, उसके कहें अगर उसको कोई नहीं लड़ने दे रहा उसको कहें कि आप लड़ने दें, क्योंकि हमें एतमाद है अपनी कारकर्दगी पे एतमाद है। तो ये जमातें, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट में ये बैठे हुए एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे,
यही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या क्या कहते थे, उनको जो है वो शहबाज स्पीड और क्या 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 कहा जा रहा था। लेकिन अभी एक तासुर तो देना है ना, अवाम को बेवकूफ तो बनाना है ना कि जी एक मुकाबला हो रहा है, तो मुकाबला कहीं नहीं हो रहा, ये एक नूरा कुश्ती है जो एक फिक्स मैच है। ये सभी जमातें मिलके, हमने पहले भी ये कहा, पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि जी मिलके 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 गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई भी गवर्नमेंट बनेगी तो वो एक कमजोर गवर्नमेंट बनेगी, एक हंग पार्लियामेंट आएगी जिसमें वो चूचू का मुरब्बा बनेगा, और उस तरह की जो भी फिर आप देख लें जो पीडीएम की गवर्नमेंट की कारकर्दगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी कारकर्दगी 16 माह में किसी ने नहीं दिखाई। आप ये उठा के फॉरेन रिजर्व को देख लें, एक्सपोर्ट्स को देख लें, आप इन्फ्लेशन को देख लें, वो जो सबसे नाअहल था, जो निकम्मा था, वो तो 11 और 12% पे इन्फ्लेशन को छोड़ के गया था, 40% पे कौन लेके आया 16 माह में, हम 16 माह की बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि इन्होंने अगर इस तरह की गवर्नमेंट बननी है, अगर इस तरह की हंग पार्लियामेंट आएगी, एक कमजोर गवर्नमेंट बनेगी, तो वो कमजोर गवर्नमेंट जो है वो ना अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, उनके नीचे से भी कुर्सी बड़े आराम से खींच ली जाएगी, जैसे इमरान खान साहब के नीचे से खींच ली गई थी। और इमरान खान साहब जो बाद में ये कह रहे थे कि जी मैं तो एक फिगर हेड था, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, फैसले तो कोई और कर रहा था, तो फिर इस तरह की गवर्नमेंट जो 2024 के इलेक्शन के बाद बनेगी, जो कमजोर गवर्नमेंट बनेगी, कल को फिर वो भी हमें यही कह रहे होंगे कि जी हम तो फिगर हेड थे और फैसले कहीं और से हो रहे थे, तो ये नुकसान जमहूरियत का ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक जी इलियास साहब ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर अगर फैसले नहीं कर सकता तो जमहूरियत का नुकसान है, लेकिन बात जो हमारा बुनियादी सवाल पीपल्स पार्टी से मुतालिक है, क्या क्योंकि पहले यही कहते थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आप समझते हैं कि आप क्या उनको फील्ड मिल गई है जो ये दावे कर रहे हैं? जाहिर है जब उनकी आवाज़ सुनी गई उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की किसी ने, और फिर लाडले की बात भी नहीं निकल गई, सब खत्म हो गया, तो फिर अब अपना काम उन्होंने जोर दिखाना शुरू कर दिया। और उन्होंने बड़े एक स्मार्ट तरीके से आके सिंध की बजाय पंजाब में आके अपनी कंपेन सिर्फ एक हल्के में कंपेन चलाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पूरी पीएमएलएन और दूसरी जो जमातें हैं उनको एक परेशानी हुई है कि पीटीआई ये पीपल्स पार्टी क्या करने आई है। और जाहिर है एक बड़ा एक जलसा किया उन्होंने पिछले इतवार को, और अब जो जलसा रैली आसमा भुट्टो आज रैली निकाल रही थी, कल भी रैली निकाल रही थी, जब जा रही हैं और वो लोगों का गैदरिंग उनके लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, और इसकी वजह से जो उनकी स्पीचेस हैं वो स्पीचेस में वो एक अट्रैक्ट कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को, और ये वो वही बात है या साहब की कि वो ज्यादा नहीं कर सकेंगे, तो एक टारगेट उनका है जो जिसे करेंगे, और पीएमएलएन को टफ टाइम देंगे, जैसे दूसरी सियासी जमातें वो भी पीएमएलएन का वोट तोड़ती हैं, जिसमें टीएलपी है, दूसरी सियासी जमातें आ जाती हैं, तो एक टफ टाइम होगा। एक पीएमएलएन की जानिब से एक अच्छा किया जा रहा है, एक अच्छा अपना यानी प्लान चलाया जा रहा है, लेकिन ये जो है इलेक्शन अब बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें तमाम सियासी जमातें अपना मसल्स दिखा रही हैं कि किस तरह कारकुनों को अट्रैक्ट करेंगे। जाहिर है मियां साहब को चाहिए था मुल्क भर में जलसे करते और तेजी, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, आपका पॉइंट आ गया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।